नेताजी के निधन से अखिलेश यादव के बच्चों का बुरा हाल। तस्वीरें देखकर बिलख रहे अखिलेश के बच्चे। सोशल मीडिया पर अखिलेश के बेटे ने जो लिखा उसे पढ़कर सबका कलेजा फट गया और सबकी आंखें हो गई नम। एक ऐसी तस्वीर अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव ने की शेयर, जिसमें नेताजी का प्यार और दुलार साफ दिखा। देखिए अर्जुन यादव ने अपने दादा की याद में क्या लिखा और कौन सी तस्वीर की शेयर। मुलायम सिंह यादव तो अनंत यात्रा पर चले गए, लेकिन उनके परिवारीजन, प्रशंसक, कार्यकर्ता और साथी नेता उन्हें याद कर रहे हैं। नेताजी के जाने से जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अब उनकी यादों के सहारे सभी हैं। मुलायम सिंह की अंतिम विदाई में पहुंची बहू अपर्णा यादव डिंपल के गले लगकर खूब रोई, तो वहीं अखिलेश यादव के बच्चे भी अपने दादा के दूर होने से व्याकुल हैं और नेताजी की यादों को भुला नहीं पा रहे। नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन अखिलेश यादव के बच्चे पुरानी एल्बम के पन्ने पलटने लगे। नेताजी के साथ बिताए खुशनुमा पलों की तस्वीरें जब अखिलेश यादव के बच्चों ने देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाए और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव ने एक तस्वीर को साझा किया और लिखा कि विल मिस यू दद्दू। अर्जुन ने जो तस्वीर साझा की है वो उनके बचपन की है, जिसमें वो अपनी बहन के साथ नेताजी की गोद में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और नेताजी अपने पोते पोती के साथ में मगन दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर और तस्वीर के साथ लिखे गए कैप्शन को देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं और सब नेताजी की यादों में खो गए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके अंतिम संस्कार में पूरा उत्तर प्रदेश सैफई में दिखाई दिया। इस बीच उनके पोते पोती की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वायरल हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि दादाजी हम आपकी याद कभी नहीं भुला पाएंगे। तस्वीरें तो पुरानी हैं लेकिन अब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में तमाम मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। सभी ने नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि दी। वो क्षण और भी भावुक हो गया था जब अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी। आलम यह था कि अंतिम क्षणों में भी नेताजी के समर्थक हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद भी समर्थक बड़ी संख्या में सैफई में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि यहां से जाने का मन नहीं कर रहा। नेताजी का व्यक्तित्व ही ऐसा था, जो उनके संपर्क में रहा वो उन्हीं का हो गया, और अब उनके दुनिया से जाने के बाद हर शख्स खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।